तपः रामदेव परम ब्रह्म रामदेव परम तपः राम एव परम तत्व राम एव ब्रह्म तारकम् राम एव परम तत्व राम एव ब्रह्म तारकम् सोमनाथ भारत का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। भारतीय स्वतंत्रता की बलिदानी रणभूमि है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कार्यभूमि गुजरात का मणि है। हे महानगरी, तुझको शत शत प्रणाम। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति हेतु की गई रथ यात्रा का उद्गम स्थल है सोमनाथ। हे सोमनाथ, तुझको शत शत प्रणाम। ये राम का रथ अपनी 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में पहुंचेगा। उस पावन नगरी को भी शत शत प्रणाम। भगवान श्री राम की कृपा से हमारी इस सृष्टि का जो भूभाग ज्ञान की रश्मियों से सर्वप्रथम आलोकित हुआ, उसे ही संसार ने भारत कहा। इसी भारत की प्राचीनतम नगरी अयोध्या को शत शत प्रणाम। श्री राम लला की जन्मभूमि अयोध्या में प्राचीन काल से भगवान श्री राम लला जी का एक मंदिर था। राजा विक्रमादित्य ने इसी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर श्री राम लला जी का एक भव्य और विशाल मंदिर बनवाया। फिर भारत के इतिहास में एक ऐसा कालखंड आया जब हमारा देश कमजोर पड़ा और विदेशी आक्रांताओं के हमले का शिकार हुआ। इन हमलावरों में एक था बादशाह बाबर का सेनापति मीर बाकी, जिसने भारत के इस महान मान बिंदु को विध्वंस कर उसी पर एक मस्जिद निर्माण कराने का प्रयत्न किया। श्री राम भारत की पहचान थे, हैं और रहेंगे। उनका मंदिर भारत का गौरव है, राष्ट्र का सम्मान है। मंदिर तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद निर्माण करना तो इस्लाम विरुद्ध है, तो फिर मुगलों ने वैसा क्यों किया? जाहिर है उन्हें इबादतगाह नहीं बनानी थी, उन्हें तो भारत की पहचान मिटानी थी, उसका राष्ट्रीय स्वाभिमान तोड़ना था। मस्जिद उनकी सैनिक विजय का प्रतीक थी और ध्वस्त मंदिर भारत की पराजय व गुलामी का चिन्ह। दास्ता का चिन्ह हटाना है तो उस तथा कथित मस्जिद के ढांचे को वहां से हटाना ही होगा और उसके स्थान पर भगवान श्री रामलला का मंदिर अर्थात राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक खड़ा करना ही होगा। ये हमारा राष्ट्र धर्म है, इसके निर्वाह के लिए बलिदान देना हमारा सौभाग्य है। इसीलिए हिंदू अपने मर्म स्थान और इस देश के प्रतीक श्री राम मंदिर को पाने के लिए शताब्दियों से संघर्ष करता आ रहा है, जिसके क्रांति का बिगुल कभी रुका नहीं। Bye-bye.
इन धर्म युद्धों में लाखों हिंदुओं ने अपने आप को बलिदान कर दिया था। कहते हैं मीर बाकी ने पत्र द्वारा बाबर को एक जानकारी भेजी कि जो मस्जिद बनाई जा रही है उसकी दीवारें शाम तक में अपने आप गिर जाती हैं। मुगलों ने इस अद्भुत घटना के बारे में क्षेत्र के साधु संन्यासियों से परामर्श किया। उनकी सलाह थी कि कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मस्जिद का नाम सीता पाक रखा जाए। सदर गुंबद के दरवाजे पर लकड़ी लगा दी जाए, मीनारें न बनाई जाएं और हिंदू महात्माओं को वहां भजन पाठ करने दिया जाए। विवश होकर मुगलों को ये बातें स्वीकार करनी पड़ी। अकबर के समय हिंदुओं ने 20 बार आक्रमण किए। इतने लंबे संघर्ष से परेशान होकर अकबर ने मंदिर के एक कोने में राम चबूतरा बनवा दिया और हिंदुओं को वहां पर पूजा अर्चना करने का अधिकार दिया। तभी से वहां पर हिंदू पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। लेकिन कुछ जुनूनी और सियासी राजनेताओं ने देश के मुसलमान भाइयों को गुमराह करने की कोशिश की और श्री राम जन्मभूमि मंदिर को विवाद का विषय बना दिया। क्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद उठाने वाले हैं? मजहबी रहनुमा नहीं है, सियासी शिकारी है। कोई मस्जिद किसी दूसरे मस्जिद के मुकाबले में कम पवित्र नहीं होती, वो चाहे बाबरी मस्जिद हो और चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद। सिर्फ बाबरी मस्जिद क्यों है जबान पर? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में सैकड़ों मस्जिदें जुड़ी पड़ी हैं, गधे बंधे हुए हैं गधे। इन बाबरी मस्जिद के हिमायतियों को उन मस्जिदों का ख्याल क्यों नहीं आता? दिल्ली में 1986 में 13 मस्जिदें शहीद हुई फसाद में। अब्दुल्ला बुखारी भी वहीं मौजूद थे दिल्ली में और शहाबुद्दीन भी वहीं मौजूद थे। सारी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वहां मौजूद थी, कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोले? मुसलमानों ने अक्सर मस्जिदों के सैकड़ों मस्जिदों के हिस्से तोड़ तोड़ के बेच दिए दिल्ली में। दिखा सकता हूं, दिल्ली वाला हूं। कोई नहीं बोला आज तक। बाबरी मस्जिद की क्या खास बात है? बाबरी मस्जिद का तो टकराव का जरिया पैदा गया है राम जन्मभूमि से। बाबरी मस्जिद के जरिए से सियासी माइलेज निकालने की कोशिश की गई है, ईमानदारी नहीं की गई। इस बात को मुसलमान हजरात समझें कि जब सियासी आदमी मस्जिद का नाम लेकर सियासी फायदा उठाना चाहता है तो वो मस्जिद को बेच रहा है, सियासी फायदे के लिए बेच रहा है। इस चीज को मुसलमान अजीज दोस्त समझे कि जब सियासी फायदा उठाने के लिए खुदा का रसूल का नाम लेता है तो वो अपने ईमान को भी बेच रहा है, खुदा को भी बेच रहा है, रसूल को भी बेच रहा है। हिंदुस्तान ने देखा कि यदि उसने श्री राम मंदिर निर्माण का संकल्प नहीं लिया तो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसी के अंतर्गत राष्ट्र ने एक संकल्प लिया कि विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में श्री राम मंदिर का निर्माण अति शीघ्र किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इस राष्ट्रीय प्रकल्प को अपना समर्थन देने का निश्चय किया। राम हमारे आराध्य पुरुष हैं, राम हमारे महापुरुष हैं, रोम रोम में राम रमे। अगर देश में अच्छी सरकार होती तो राम जन्मभूमि का विवाद विवाद न बनता। आवाज उठते ही मुसलमान भाइयों को बुलाकर कहती कि देखिए ये स्थान आप छोड़ दीजिए, आपकी और मस्जिदें हैं, बहुत मस्जिदें हैं, हिंदुस्तान में मस्जिदें बनाने पर रोक नहीं है, लेकिन ये स्थान भावनाओं से जुड़ा हुआ है, छोड़ दीजिए। सरकार ने ऐसा नहीं किया, मुसलमान मान जाते हैं। आखिर जब सोमनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास हुआ था, आजादी के बाद प्रस्ताव पास हुआ था, वहां भी तो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी, मगर सबकी राय से वहां एक नए मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। जो सोमनाथ में हुआ वो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता?
लेकिन मान लीजिए अगर कोई उपासना पद्धति, अगर कोई पूजा का तरीका दूसरे के धर्म की भावनाओं को चोट पहुंचाने पर तुला हुआ है और ये मानता है कि नहीं हमारा धर्म तो मूर्तियां तोड़ने में है, तो भारत की भूमि में उस उपासना पद्धति को अपना तरीका बदलना होगा, उस उपासना पद्धति को भारत की मिट्टी के साथ अपने को जोड़ना होगा। कोई मूर्ति पूजक नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई मूर्ति पूजा का खंडन करता है शास्त्रास्त्र के स्तर पर यह भी चल सकता है। और सरसंघचालक जी ने ऐलान किया है कि अगर कोई ऐसा मंदिर हो जो मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है तो उन्हें बताओ। वो कहते हैं मैं उस मस्जिद को बराबर मस्जिद बनाकर दिखाऊंगा, वहां मंदिर नहीं रहेगा। कोई सामने नहीं आता। अब कहते हैं कि नहीं वो मंदिर मस्जिद की जगह बना या नहीं बना ये सवाल छोड़ो, ये बताओ क्या भगवान राम वहीं पैदा हुए थे वहीं? यह हास्यास्पद है। अदालत ने दरवाजे खोल दिए, लोग मान नहीं रहे हैं, कहते हैं बड़ी अदालत को भेज दो। उस बड़ी अदालत ने कह दिया कि ये मंदिर था तब क्या होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जज जो बनाए जाएंगे वो उत्तर के नहीं होना चाहिए, दक्षिण के होना चाहिए, वो हिंदू नहीं होना चाहिए, मुसलमान भी नहीं होना चाहिए। तो फिर अंग्रेजों को वापस लाना पड़ेगा। दुर्भाग्य से ये सवाल चुनाव से जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहती, ये तो राष्ट्रीय प्रश्न है। राम हमारे लिए आराध्य है, वोट का मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर सरकार मामले को लटकाए रखेगी तो फिर लोग फैसला करेंगे, लोग निर्णय करेंगे। पिछले साल 9 नवंबर 1989 को अनेकों अड़चनों के बावजूद विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अयोध्या में शिलान्यास का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। शिलान्यास का शुभ कार्य तो संपन्न हो चुका है, मगर अभी शिखर तक पहुंचना शेष है। इसी शिखर तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी कृत संकल्प हैं, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तानी जनमानस को दिया हुआ वो वादा पूरा करना है जिसे उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखा था। ये सर्वविदित है कि वो प्रमुख वादा था राष्ट्र के प्रतीक श्री राम मंदिर के निर्माण का वादा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सागर से लेकर सरयू तक की 10,000 किलोमीटर की राम रथ यात्रा शुरू कर दी है। जिस तरह भारतवर्ष के भूतपूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कर स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान को पुनर्स्थापित किया था, उसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाकर भारत माता के टूटे हुए सम्मान को जोड़ने का प्रण ले चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैंने सोचा कि ऐसा कार्यक्रम अपनाऊं जो राम का नाम लेकर के राम को एक सारे राष्ट्र को जोड़ने वाला मंत्र बनाए, और उस राम को जोड़ने वाले मंत्र के रूप में मैं अयोध्या को देखता हूं और सारी देश की जनता को ललकारता हूं, आह्वान करता हूं कि मत पंथ, संप्रदाय, जाति, भाषा, इन सब भेदों से ऊपर उठ करके और इस राम जन्म मंदिर को बनाने में अपना पूरा सहयोग दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। 25 सितंबर 1990 आज जनसंघ के संस्थापक
महामंत्री पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्मदिन है। इसी शुभ दिन को समर्पित है ये राम की रथ यात्रा, सारे देशवासियों की रथ यात्रा। जहां राम का जन्म हुआ था मंदिर वहीं बनाएंगे। तालियों की ये ताल राम का जन्म हुआ इस बात का प्रमाण है कि आराधना के केंद्र सोमनाथ में आज सारा देश एकत्रित हो चुका है, संगठित हो चुका है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक है सोमनाथ। इसी सोमनाथ मंदिर के पीछे है हिंद महासागर की दहाड़ती हुई लहरें और सामने है नभ में गूंजने वाले पवित्र नारे। भावनाओं के जोश भरे इसी वातावरण में काठियावाड़ी वेशभूषा से सुसज्जित लोग नृत्य में तल्लीन हैं। सारा वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने भगवान शंकर की इस धरती पर राममय परंपराओं की पुनरावृत्ति कर दी है। रथ यात्रा की शुभ शुरुआत करने के पहले माननीय आडवाणी जी सपरिवार राम यज्ञ में सम्मिलित हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से इस शुभ यात्रा हेतु सफलता का वर मांगा। धर्म ध्वजा लाए हैं, ये धर्म ध्वजा श्री आडवाणी जी को भेंट करेंगे। ये धर्म ध्वजा न्याय का प्रतीक है, अन्याय द्वारका नगरी से आया शंख श्री आडवाणी जी को भेंट किया गया और गुजरात के मछुआरों द्वारा धर्म ध्वजा भी प्रदान की गई, जो श्री राम मंदिर निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पूज्य बाला साहब देवरस का संदेश पढ़कर सुनाया गया तथा आपका अभिनंदन करते हुए आपकी शुभ यात्रा की निर्विघ्न सफलता के लिए श्री परमेश्वर के श्री चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। आपका म द देवरस श्री बाला साहब देवरस का यह शुभ संदेश हम सबकी एक नई ताकत बन रहा है। सोमनाथ के इस राममय मंच से गुजरात राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री शंकर सिंह, राज्य जल संसाधन मंत्री श्री केशुभाई पटेल और पार्टी के सचिव श्री प्रमोद महाजन के अलावा कई संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने हजारों राम भक्तों को अपने अपने विचारों से अवगत कराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को राम विरोधी नीतियां अपनाने के विरुद्ध चेतावनी देती हुई भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, पार्टी की प्रेरणा, श्री राम की अनन्य भक्त श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया। मैं जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की महान आत्मा को हृदय से सम्मानित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह कहूंगी कि उन्होंने सोमनाथ के मंदिर बनाने का वो कार्य कराया, आज उसी का फल है। भगवान आशुतोष महादेव शंकर सोमनाथ उनकी कृपा से यह योग आया है। बंधुओं बहनों, यह एक बहुत बड़ी चीज है और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएंगे। तो जो मैं मेरे अंदर हृदय के अंदर जो भावनाएं मेरे उमड़ रहे हैं, जिसको मैं अपने शब्दों में यहाँ वर्णन नहीं कर सकती हूँ, पर यही कहूंगी कि मेरे साथ आप सबका, आप सबकी ओर से मैं हमारे प्रिय नेता श्री आडवाणी जी को हृदय से सत सत अनेक बधाई देते हुए शुभकामनाएं हृदय से देना चाहती हूँ कि आपकी यात्रा सफल हो और दुश्मनों के हृदय में जो लोग बाधा उपस्थित करना चाह रहे हैं उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर कब कभी उठ जाए, ऐसा आपका विजय यात्रा आपके चले, यही आपको शुभकामनाएं देती हूं। जब मुझे आकर
पत्रकार पूछते हैं कि क्या राम मंदिर बनेगा, आपको क्या लगता है? मैंने कहा लगने का सवाल ही नहीं है, हमने तो वो काम, अब राम मंदिर बनाने का काम, जिस दिन हमने अयोध्या के अंदर शिलान्यास के समय हमने उस काम को बजरंग बली स्वयं के हाथ में सौंप दिया है। और हनुमान राम भक्त भक्त शिरोमणि हनुमान अब इस मंदिर का निर्माण करने वाले हैं। जो हनुमान की सेना राम की सेना जब उठ खड़ी होगी सारे भारत वर्ष के अंदर से, उत्तर प्रदेश के लोग भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। तब मुलायम सिंह जी आप देखते रहोगे कितने जेल हैं आपके पास, जहां पर हम इन लाखों करोड़ों को आप जे सकते हो। हम सब उन जेलों में अपने प्रभु राम के खातिर और अपने स्वाभिमान के खातिर, हमारे खोए हुए पहचान के खातिर, हम उनके जेलों में अधिक से अधिक तादाद में भरने को तैयार हैं। आप सब से, संतों से, महात्माओं से मैं यही चाहूंगी कि हमारे अखिल भारतीय नेतृत्व श्री अडवाणी जी को हृदय से आप उन्हें अपने आशीर्वाद दीजिए। वेदोक्त मंत्रों के द्वारा तो आशीर्वाद मिल चुका है, और एक माँ के हृदय से सकल यह यहाँ की जनता की सभी माताएं जितनी हैं उनकी ओर से मैं अपने भावनाओं के सुमन को मैं अडवाणी जी को अर्पण करती हूँ कि आप यशस्वी हों और आपकी यात्रा सफल होकर अयोध्या पहुंचकर आप अवश्य ही पहला शिला आप यहाँ पर पहुँचा दें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी ने सर्वप्रथम भगवान सोमनाथ को प्रणाम किया, तत्पश्चात हजारों राम भक्तों को राम के महत्व और यात्रा के उद्देश्यों से अवगत कराया। मैं सबसे पहले सोमनाथ की इस पवित्र मट्टी को प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने इस सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया, और मैं प्रणाम करता हूं गुजरात की इस भूमि को, जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान देशभक्त को जन्म दिया। क्योंकि गुजरात में केवल सोमनाथ नहीं है, गुजरात में द्वारका भी है, और यह सोमनाथ का मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है, शिव का मंदिर है। यहां जो चुने हुए 12 ज्योतिर्लिंग हैं देश में, उनमें से एक ये है। शिव जी के प्रति देश के मन में जो आराध्य भक्ति है, भगवान कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, और भगवान राम के प्रति जो असीम श्रद्धा है, उन तीनों का समुच्चय कहीं पर मिलता है तो यहां पर सोमनाथ में मिलता है। सोमनाथ के प्रति स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार का रवैया और अयोध्या के राम जन्मस्थान के प्रति आज की सरकारों का रवैया, उसमें जो भारी अंतर आ गया है, खाई आ गई है, उस खाई को पाटने का मेरा संकल्प है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह ऐलान किया कि अब भारत स्वतंत्र हो गया है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के नाते मैं यहां पर घोषणा करने आया हूं कि शताब्दियों से यह जो कलंक और यह अपमान इस समाज को, इस देश को बर्दाश्त करना पड़ा है, इसके ध्वंस के रूप में यहां जो सोमनाथ का भव्य मंदिर था, उसके ध्वंस के स्थान पर एक महाभव्य मंदिर का भारत सरकार पुनर्निर्माण करे। यह घोषणा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, वापस नई दिल्ली में जाकर के मंत्रिमंडल ने उसकी पुष्टि की, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर मुंशी गाडगिल साहब जाकर के गांधी जी से मिले। गांधी जी ने उस कार्य को आशीर्वाद दिया, इतना ही कहा कि मैं चाहता हूं कि मंदिर जो है वो सरकार के पैसे से नहीं बने, लगता है कि आपने तो सरकार के पैसे से बनाना तय किया है, मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें सहयोग दे, सरकार इसमें योगदान दे, लेकिन पैसा जनता का लगना चाहिए। और एकदम सरदार पटेल ने यह उनका सुझाव स्वीकार किया और एक ट्रस्ट बना, और उस ट्रस्ट के बनने के बाद थोड़े 2-3 साल बाद यह मंदिर का निर्माण हो गया। सोमनाथ की गाथा वह जय और पराजय की गाथा है, उसके ध्वंस के साथ हमारा पराजय जुड़ी हुई है और उसके पुनर्निर्माण के साथ हमारी विजय जुड़ी हुई है। उसी प्रकार राम जन्म स्थान के साथ
हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। बाबर वहां आते हैं, आकर के उसके उसके कोई सूबेदार उस मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाते हैं। तो यह मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, यह भारत के विजय पराजय का झगड़ा है। और उस विजय पराजय के झगड़े में आज इस बात की जरूरत है कि 40 साल तक जिन राजनेताओं ने एक प्रकार से एक स्थायी पराजय के साथ भारत को जोड़ने का संकल्प किया है, उनके संकल्प को निरस्त करके देखा है। और हिंदुस्तान की जनता कहे कि इस प्रकार की पराजय और इस प्रकार का अपमान हम स्वीकार नहीं करेंगे, वहां पर मंदिर बन के रहेगा, उसी स्थान पर बन के रहेगा। इस यात्रा को करने का मेरा पहला उद्देश्य यह हिंदू और मुसलमान का प्रश्न नहीं है, हिंदू की आस्था का प्रश्न है, हिंदू की भावना का प्रश्न है। इस नाते है कि हिंदुस्तान में माना जाता है कि हर एक की भावना का आदर करना चाहिए, लेकिन हिंदू की भावना का तिरस्कार किया जा सकता है। इतना ही नहीं तो कुछ हमारे हिंदू राजनेता हैं जो समझते हैं कि सेक्युलरवाद का अर्थ है हिंदू को अपमानित करना, हिंदू का तिरस्कार करना, हिंदू बेटिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो करते रहना, ये उनको अच्छा लगता है। वो चाहे कोई सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, हिंदू को कैसे नीचा दिखाया जा सकता है, यही कोशिश करते रहते हैं। पहली बात तो मैं इस विकृत सेक्युलरवाद की कल्पना को तोड़ फोड़ करके हम इसको फेंक दें, और राजनीति में जो इस प्रकार का विकृत सेक्युलरवाद चलाए उसको समर्थन न मिले, इस बात की व्यवस्था करना चाहता हूं। आज कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वह विकृत सेक्युलरवाद का परिणाम है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य किसी एक पंथ मत के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, मैं इसकी छुट्टी नहीं दूंगा। हां, संस्कृति बात अलग है, इतिहास बात अलग है, राम को आप देवता माने न माने, राम को ऐतिहासिक महापुरुष माने न माने, लेकिन राम और रामायण हिंदुस्तान की संस्कृति के महान चिन्ह है, महान प्रतीक है। अरे वो तो दुनिया के देशों के हैं। मैंने कल ही परसों ही वहां पर दिल्ली से जाते हुए वहां की सभा में उदाहरण दिया, आज से 25 साल पहले नई दिल्ली में मैंने एक नृत्य नाटिका देखी थी। इंडोनेशिया से कलाकार आए थे और इंडोनेशिया की वो नृत्य मंडली वो लगभग सारी मुसलमान थी। 105 कलाकार मंच पर आए जिनमें से 102 कलाकार मुसलमान थे, और वो नृत्य नाटिका कौन सी थी? रामायण। रामायण की नृत्य नाटिका इंडोनेशिया के उन कलाकारों ने प्रस्तुत की। एक पत्रकार ने एक कलाकार से पूछा, आप तो मुसलमान हैं, आप ये रामायण क्यों खेलते हैं, आप ये रामलीला क्यों खेलते हैं? उसने कहा, मैं मुसलमान हूं, मैं कुरान में विश्वास करता हूं, मैं इबादत करने के लिए मस्जिद में जाता हूं, 5 बार नमाज पढ़ता हूं, मेरा मजहब इस्लाम है, लेकिन इंडोनेशियन संस्कृति में रामायण को और राम को बड़ा ऊंचा स्थान है, और इसीलिए केवल यहां नहीं, हम तो वहां पर भी हर साल रामायण खेलते हैं। मैं हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, अरे हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान तो राम की अपनी भूमि है। इंडोनेशिया का मुसलमान अगर रामायण और राम पर गर्व कर सकता है तो हिंदुस्तान का मुसलमान रामायण और राम पर गर्व क्यों नहीं कर सकता? और इस कारण इस यात्रा को बाकी सारे लोग किसी न किसी राजनीति के मामले को लेकर के मामला करते हैं, और राजनीति भी ऐसी चलाते हैं जिससे समाज टूटे, एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ खड़ी हो, एक पंथ दूसरे पंथ के खिलाफ खड़े हो, एक भाषा वाले दूसरे भाषा वाले के खिलाफ खड़े हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैंने सोचा कि ऐसा कार्यक्रम अपनाऊं जो राम का नाम लेकर के राम को एक सारे राष्ट्र को जोड़ने वाला मंत्र बनाए, और उस राम को जोड़ने वाले मंत्र के रूप में मैं अयोध्या को देखता हूं और सारी देश की जनता को ललकारता हूं, आह्वान करता हूं कि मत पंथ संप्रदाय जाति भाषा इन सब भेदों से ऊपर उठ करके और इस राम जन्म मंदिर को बनाने में अपना पूरा सहयोग दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, जय अयोध्या। तलवार, त्रिशूल और भगवा ध्वज रखे अनगिनत राम भक्त अब अयोध्या की ओर यानी शिखर की ओर बढ़ने के लिए उत्सुक हैं। विदाई की इस वेला में आदिवासी बालिकाओं ने माननीय आडवाणी जी को तिलक दिया।
एवं आदिवासी बालकों द्वारा धनुष बाण भेंट किए गए। चारों तरफ लहराते भारतीय जनता पार्टी के झंडे, विश्व हिंदू परिषद के ध्वज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय भगवा ध्वज, बजरंग दल, शिवसेना, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सिख संप्रदाय के प्रतिनिधि एवं कई अन्य संप्रदायों के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से विदाई समारोह में नारे और जयकारों से आकाश को गुंजा रहे थे। बाजे गाजे शैला खेलते लोग, चारों ओर उमंग और अभूतपूर्व उत्साह। तभी भारत की जनता का रथ, भारतीय जनता पार्टी का रथ चल पड़ा अयोध्या की ओर, भारत माता के टूटे हुए सम्मान को जोड़ने के लिए। नाथ से चला काफिला आज नए अभियान को, नाथ से चला काफिला आज नए अभियान को, कौन हकीरों के गाय से गलया कर तूफान को, कौन हकीरों के गाय से गलया कर तूफान को, राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम। गांव, कस्बों और नगरों से गुजरता हुआ देश की जनता का ये रथ, देश की एकता और अखंडता का प्रतीक ये रथ, भारत माता के टूटे हुए सम्मान को जोड़ने वाला ये रथ लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा है। गांव गांव और नगर नगर में ऐसी अलख जगाएंगे, ऐसी अलख जगाएंगे, अभिमानी उस अहंकार का बाजा हमी झुकाएंगे, बाजा हमी झुकाएंगे, आंगन आंगन राम ज्योति के जगमग दीप जलाएंगे, जगमग दीप जलाएंगे, मान लिया है अब तो मन में मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, सोमनाथ की शपथ समय को देंगे हम ऐसी वाणी, धर्म ध्वजा लेकर पहुँचेंगे नगर अयोध्या अजमानी, राम भक्त तैयार खड़े हैं जत हर बलिदान को, कौन हकीरों के गाय से प्रलयंकर तूफान को, कौन हकीरों के गाय से प्रलयंकर तूफान को, यह रथ यात्रा और इस रथ यात्रा के स्वागत के लिए जिस उत्साह का प्रदर्शन जनता कर रही है वह स्वयं में एक संकल्प है देश का, और इस बार इस रथ यात्रा का स्वागत करके, इस रथ यात्रा के साथ अपने को जोड़ करके हिंदुस्तान की जनता बताने चाहती है कि जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वेरावल में और प्रभास पाटन में आज से 42 साल पहले किया था वह अब देश की जनता अयोध्या में करने जा रही है। देखते हैं कौन इस रथ को रोकता है। अरे इस रथ को कोई रोक भी ले, लेकिन ये जो भारत की जनता का रथ है उसको कौन रोकेगा। 30 अक्टूबर को हम अयोध्या
में मंदिर बना के ही छोड़ेंगे, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। सोमनाथ से चला काफिला आज नए अभियान को, सोमनाथ से चला काफिला आज नए अभियान को, कौन हकीरों के गाय से गलियां कर तूफान को, कौन हकीरों के गाय से गलियां कर तूफान। रंग के साथ जिस प्रकार का समर्थन और जिस प्रकार का आत्मीयता का भाव प्रदर्शित हो रहा है पूरे रास्ते भर, गांव में, कस्बों में, नगरों में, किसी जाति के हो, किसी पंथ के हो, किसी संप्रदाय के हो, किसी उम्र के हो, बच्चे हो के बूढ़े हो, स्त्रियां हो के पुरुष हो, इतना एकता का भाव पूरे समाज में शायद ही किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत किया होगा। और आज अयोध्या के लिए जनता संकल्प कर रही है कि हम मंदिर बनाएंगे और सरकार बीच में बाधा डाल रही है, रास्ता रोक रही है। पिछले दिनों में एक बेल्जियन विद्वान आए थे, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, वहां के विद्वान यहाँ दिल्ली में आए, 2 साल उन्होंने इस प्रश्न पर शोध कार्य किया, उसका नाम था कॉनराड एल्स। वो बेल्जियम से आया हुआ विदेशी, उसने 2 साल और कोई काम नहीं किया सिवाय इसके कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद के सब पहलुओं पर एक पुस्तक लिखना, और उस पुस्तक में ऐतिहासिक दृष्टि से राम जन्म स्थान पर मंदिर क्यों बनना चाहिए इसका प्रमाण है। आर्कियोलॉजी की दृष्टि से वह जो पुराना वह जो स्थान है वहां पर पहले मंदिर था, जिस मंदिर को तोड़ा बाबर ने और मंदिर को तोड़ करके उसके स्थान पर मस्जिद बनाई, और मस्जिद भी मंदिर के ही स्तंभ लेकर के उसे बनाई, ये सब प्रमाणित किया गया, सारी दुनिया के तर्क दिए गए हैं। और फिर वो आश्चर्य प्रकट करता है कि इतने तर्क साफ होने के बाद भी ये हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां और हिंदुस्तान के राजनेता और हिंदुस्तान की सरकारें इसमें बाधा क्यों डालती है। मैं जब इस प्रश्न पर सोचता हूं तो मुझे भी महाभारत काल याद आता है, ये रथ है ना, तो रथ से रामायण काल याद आता है, महाभारत काल याद आता है। और तब मुझे लगता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, अच्छे अच्छे तर्क दिए थे, अच्छी अच्छी युक्तियां दी थी, अकाट्य तर्क थे, अकाट्य युक्तियां थी, जिसका उत्तर नहीं था अर्जुन के पास, लेकिन अर्जुन माना नहीं। अर्जुन माना कब, जब उस गीता के ज्ञान के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप नहीं दिखाया। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी जो सरकारें हैं वह तर्क से मानती नहीं है, और ये जो विराट रूप हिंदुस्तान की मानेंगे और कहेंगे कि आप जो बात कहते हैं वो ठीक है, मंदिर बनना चाहिए। सोमनाथ से चला काफिला आज नए अभियान को, कौन हकीरों के गाय से गलियां कर तूफान को, कौन हकीरों के गाय से गलियां कर तूफान को। प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को अपने यहां आमंत्रित किया और उन्हें कहा कि मेरी सरकार अभी अभी बनी है, देश की जनता ने मेरी सरकार के प्रति विश्वास प्रकट किया है और मुझे काम संभाले हुए अभी 2 महीने हुए हैं, मैं चाहता हूं कि इसका कोई सही हल निकल आए, और इसीलिए मैं आप
आपसे निवेदन करता हूँ, पत्र वही अपील करता हूँ कि आप अपने रचना के निर्माण के कार्य को 4 महीने के लिए स्थगित करिए और 4 महीने के अंदर अंदर मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। फरवरी के महीने की बात है और इस समय यह सितंबर का महीना समाप्त होते आया, 7 महीने बीत गए हैं और भारत सरकार ने इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला। मुझे याद है कि मई के महीने के बाद मैं जून के महीने में एक संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में लंदन जा रहा था और उससे पहले एक पत्रकार मुझसे लंबी भेंट वार्ता इसी विषय पर करने आए कि क्या होगा इस मामले का। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं कि क्या होगा, अयोध्या की समस्या का क्या होगा, आपका क्या मत है। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मैं सरकार के चिंतन के बारे में मैं अपरिचित हूं। इतना जरूर जानता हूं कि इस समय हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि यह मंदिर बने। सरकार अगर हिंदुस्तान की जनता का आदर नहीं करेगी और इस मामले में जनता से टकराव लेगी तो शायद हिंदुस्तान ने ऐसा कभी जन आंदोलन पहले नहीं देखा होगा जैसा जन आंदोलन इस सरकार को इस मामले में देखना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के सर्व सामान्य व्यक्ति में, वह अपर हो चाहे पढ़ा लिखा हो, वह अंगूठा छाप हो चाहे डॉक्टर हो, PhD पास हो, वो गांव में रहता हो चाहे शहर में रहता हो, चाहे कस्बे में रहता हो, वो चाहे 10 साल का छोटा सा बालक हो स्कूल में जाने वाला, चाहे 80 साल का 90 साल का वृद्ध सज्जन हो, जो हो, जो महिला हो चाहे पुरुष हो, आप कल्पना नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान के अंतःकरण में राम कैसे समाया होगा। और इस राम को जो भी जगाएगा गांधी जी ने जगाया और गांधी जी ने जाकर के सारे देश को कहा, यह नहीं कहा कि मैं अंग्रेजों का राज हटा करके भारतीयों का राज लाना चाहता हूं, उन्होंने कहा मैं अंग्रेजों का राज हटा करके राम राज लाना चाहता हूं। गांधी जी ने संकोच नहीं किया, वे जानते थे कि राम के नाम में कितनी शक्ति है और राम कितना लोगों के मन में बसा हुआ है और इसीलिए आप राम की महिमा को कम करके मत आंकिए। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को केवल हिंदू की धार्मिक भावना से नहीं जोड़ता। जिस समय लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को प्रचारित करने की कोशिश की महाराष्ट्र में, जिस समय महात्मा गांधी ने गौ रक्षा के मामले में हिंदुस्तान के लोगों को जागृत किया, जिस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करने का संकल्प किया, ये तीनों नेता जानते थे कि इस भावना में और इस धार्मिक प्रेरणा में और इस सांस्कृतिक अभ्युत्थान में भारत की राष्ट्रीयता मजबूत होगी, भारत का राष्ट्रवाद मजबूत होगा। और इसीलिए जगह जगह पर मैं जब जाता हूँ तो एक तरफ लोगों को कहता हूँ कि मेरे साथ नारा लगाइए भगवान श्री रामचंद्र की, वहां उनके साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे साथ नारा लगाइए भारत माता की, अर्थात इन दोनों को मिलाने का मेरा संकल्प है। और एक प्रकार से अयोध्या में राम जन्म मंदिर बनाने का जो संकल्प देखता है उस संकल्प के साथ अपनी भी ताकत जोड़ दी। धन्यवाद। पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा, अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा, जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए
अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला। समझ ले है अधूरा काम तेरा। जी हाँ, ये काम अभी अधूरा है, मंदिर भी अभी अधूरा है, ये यात्रा भी अभी अधूरी है, और ये फिल्म जो आप देख रहे हैं यह भी अभी अधूरी है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से ये काम पूरा होगा, मंदिर अवश्य बनेगा, ये यात्रा भी पूरी होगी और ये फिल्म भी पूरी होगी। आइए आप भी इस महान ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए। जय राम जी की। यही राम है इनकी भूमि, यही संशय न रहा शंका न रही। यही राम है इनकी भूमि, यही संशय न रहा शंका न रही। राम धाम में राम का रूप निहारा।